और दोस्तों मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हो मास्टर आदित्य चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्लिपकार्ट से परचेज्ड एक नोवा ब्रांड की तरफ से फोल्डेबल 1200 वॉट हेयर ड्रायर का रिव्यू। दोस्तों आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। फ्रेंड्स ये है हमारा नोवा का हेयर ड्रायर, आप देख सकते हो जिसको अभी अभी मैंने अनबॉक्स किया है आपके सामने। दोस्तों यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूँगा इसके बॉडी मटेरियल से। तो यहाँ पर जो बॉडी मटेरियल यूज़ किया गया है वो प्लास्टिक मटेरियल है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फुल्ली प्लास्टिक है और या फिर कह सकते हैं शायद ये फाइबर है, तो मैं इसको प्लास्टिक ही बोलूँगा। और उसके बाद यहाँ पर इसके वायर की अगर बात करें तो यहाँ पर वायर मिल जाता है 1.8 मीटर का, आप देख सकते हो काफ़ी लंबा वायर है। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है अगर आपका जो पावर बोर्ड है वो दूर भी है तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वायर है काफ़ी सफिशियंट है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिल जाता है एक हैंगिंग लूप, अगर आप इसको कहीं लटकाना चाहते हो तो उसके लिए ये हैंगिंग लूप है जिसकी मदद से आप आसानी से इसको कहीं भी लटका सकते हो, हैंग कर सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें इसकी पावर रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पर आपको इसके लिए देना होगा 240 वोल्ट का करंट यहाँ पर इसको चाहिए इसको चलाने के लिए। उसके बाद इसके वाटेज की अगर बात करें, इसके मोटर की वाटेज की, तो 1200 वाट का यहाँ पर मोटर मिल जाता है जो कि काफ़ी पावरफुल है। तो इसका जो थ्रस्ट पावर है उसको मैं अभी आपके सामने चेक करके बताऊँगा कि इसका जो थ्रस्ट पावर है एयर का वो कितना है। तो उसका भी अभी मैं इसको जब आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जो थ्रस्ट पावर है वो कितना है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लोगे कि जो मोटर की पावर है वो कितनी है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें अगर इसके फीचर्स की, तो फीचर्स यहाँ पर आपको तीन सेटिंग्स मिल जाती हैं। पहला तो ऑफ का मिल जाता है बटन में कि आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो ऑफ पे रहने दोगे ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोल्ड एयर चाहिए, कूल एयर चाहिए, तो उसके लिए आपको बस एक बार इसको प्रेस करना होगा हल्का सा, तब ये ठंडी हवा देगा। फिर उसके बाद अगर आपको हॉट एयर चाहिए, गर्म हवा चाहिए, तो उसके लिए जस्ट आपको फिर से इसको एक बार और प्रेस कर देना है, फिर उसके बाद ये जो है गर्म हवा देने लगेगा। दोस्तों इसमें जो गर्म हवा है इसके साइड शायद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि नाइक्रोम का वायर यूज़ किया जाता है। आगे यहाँ पर जो फैन रहता है उसके आगे लगा दिया जाता है नाइक्रोम का वायर जिससे ये गर्म हवा देता है यहाँ पर फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर हमने बात कर ली इसकी सेटिंग्स के बाद, अब बात करते हैं इसका जो एक मेन फीचर है वो है इसकी फोल्डेबिलिटी। यहाँ पर देख सकते हो इसको आप आसानी से फोल्ड करके कहीं भी अपने छोटे से बैग में रख सकते हो, ज़्यादा स्पेस नहीं लेने वाला है यहाँ पर ये। और फ्रेंड्स इसको आप किसी भी छोटी से छोटी जगह में आसानी से फोल्ड करके रख सकते हो, तो ज़्यादा आपकी ये जो स्पेस कवर नहीं करेगा, तो ये एक अच्छा फीचर यहाँ पर मिल जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसकी एयर में आपको मिल जाता है जो कि सफिशियंट है आपको अपना हेयर ड्राई करने के लिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें इसकी स्पीड सेटिंग, तो उसको मैंने अभी बता दिया आपको कि तीन स्पीड सेटिंग है। पहला आपको ऑफ है, फिर दूसरा कूल एयर के लिए, फिर तीसरा हमारा हॉट एयर के लिए है। तो ये हो गई हमारी स्पीड सेटिंग्स। और फ्रेंड्स इसकी अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पर मुझे ये पड़ा है 299 रुपये का, वो भी फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किया था। बाकी अब जो है इसका प्राइस 100-200 रुपये बढ़ चुका है, तो करीब करीब 450 या 399 के करीब इस वक्त फ्लिपकार्ट में लगा हुआ है। पर मैंने जब इसको परचेज किया था तब ये था 299 रुपये का, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी सस्ते में बैठ गया। तो इसकी जो मोटर की पावर है उसको देखकर मैंने इसको ख़रीदा था। तो चलिए अब इसके बाद इसको ऑपरेट करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसको चला कर दिखाता हूँ। तो चलिए इसको अब पावर बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स अभी इस हेयर ड्रायर को मैंने अपने पावर बोर्ड से कनेक्ट कर लिया है,
दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका थ्रस्ट पावर को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर पेपर्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास कोई लंबे बाल नहीं है जिस पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो यहाँ पर उसके लिए मैं पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं दिखा सकूँ कि जो ये हेयर ड्रायर है उसका थ्रस्ट पावर कितना है। फ्रेंड्स तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हो कि जो इस हेयर ड्रायर का थ्रस्ट पावर है वो कितना है। पेपर जो उड़ रहे हैं उनसे आप अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हो कि इसका थ्रस्ट पावर कितना है। फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स अगर 200 से 300 रुपए में आपको एक हेयर ड्रायर मिलता है और उसमें 1200 वाट की एक मोटर मिलती है तो आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मान सकते हो कि ये हेयर ड्रायर है, क्योंकि 200 से 300 रुपए में आपको एक हेयर ड्रायर मिल रहा है वो भी इतने कम दाम में। तो इतना थ्रस्ट पावर अगर आपको मिलता है तो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी सफिशियंट है मेरी समझ से। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका जो हॉट एयर की टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ कि जो इसमें से गर्म हवा निकलती है वो कितनी गर्म निकलती है, तो चलिए उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम यहां पर करने वाले हैं इस हेयर ड्रायर की हॉट एयर क्वालिटी की टेस्टिंग। यहां पर अभी हम देखेंगे कि जो हमारा हेयर ड्रायर है वो कितनी गर्म हवा यहां पर निकालता है। यहां पर जिसके लिए मैंने यहां पर दो पेपर रख रखे हैं, आप देख सकते हो एक यहां पर वेट पेपर है दूसरा ड्राई है। वेट पेपर को हम यहाँ पर हॉट एयर से यहाँ पर सुखाने की कोशिश करेंगे और अपने स्टॉप वॉच में देखेंगे कि ये कितना टाइम लेता है इस वेट पेपर को ड्राई करने में। तो चलिए अपने हेयर ड्रायर को ऑन कर लेते हैं, उसके साथ ही अपना जो स्टॉप वॉच है उसको भी ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको अब गर्म हवा दे रहा हूँ, देखता हूँ ये कितनी देर में यहाँ पर सूख कर बिल्कुल जो ड्राई पेपर है उसके जैसा हो जाता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो पेपर का कलर है वो चेंज होने लगा है और हमारी स्टॉप वॉच में सिर्फ अभी 25 सेकंड हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर सूख चुका है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा जो इस हेयर ड्रायर की हॉट एयर क्वालिटी है वो कैसी है, कितने टेम्परेचर तक का यहाँ पर ये हेयर ड्रायर गर्म हवा देता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।